हम तीनों कजन्स हैं और हम बहुत थिक फ्रेंड्स हैं। कभी भी कजन्स के बीच की यारियां ऐसे स्क्रीन पे नहीं दिखाई गई। पर्सनली मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी जान है। अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो जितनी अच्छी यारियां वहाँ बन सकती हैं उतनी अच्छी यारियां कहीं बन नहीं पाएंगी। सबसे नॉटी कजन मैं हूँ, सो जो सबसे छोटा हूँ सबसे नॉटी हूँ। सब बिगाड़ने का काम दोनों कजन्स का मेरा ही है। काफ़ी मस्ती, काफ़ी ट्रिप्स, ऐसी बहुत मेमोरीज हुई हैं कजन्स के साथ। ऑब्वियसली एक वक्त के बाद तो कजन्स बड़े हो जाते हैं, सब अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। कुछ रिश्ते जिंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होती है यारियाँ। लेकिन रिश्तों में यारियाँ या फिर यारियों में रिश्ता, कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस बॉन्ड को भी दिखाया जा सकता है। लेकिन अब आप इसको देखने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं यारिया 2 की। आज के डिजिटल पे आपका स्वागत है, मैं हूं अपसर रीमा और हमारे साथ है यारिया 2 के वो तीन चेहरे जो आपको एक इमोशंस की ऐसी राइड पर लेकर के जाने वाले हैं कि आप भूल नहीं सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मिल लेते हैं इनसे। हमारे साथ हैं दिव्या खोसला। दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय रीमा, थैंक यू। हमारे साथ है पर्ल पुरी। पर्ल, वेलकम। थैंक यू सो मच। निजान जाफरी। निजान, बहुत बहुत स्वागत है। तो तीन यार या कजन्स क्या है हमारे साथ में? दिव्या, आपसे शुरू करते हैं। सो हमारी पिक्चर की टैगलाइन भी यही है कि कजन्स बाय ब्लड, फ्रेंड्स बाय चॉइस। तो हम पिक्चर यारियां 2 में हम तीनों कजन्स हैं और हम बहुत थिक फ्रेंड्स हैं। तो हमारी दोस्ती इतनी है कि एक्चुअली ये इंस्पायर्ड है खुद इंडियन कल्चर से, क्योंकि हम जब रियल लाइफ में बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे जो कजन्स होते हैं वो फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं हमारे। एंड कभी भी कजन्स के बीच की यारियां ऐसे स्क्रीन पे नहीं दिखाई गई। तो दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम कि हिंदी फिल्म पर्दे पर, यू नो, दैट्स ऑल्सो द USP ऑफ द फिल्म की कजन्स की यारियाँ दिखाई जाएगी। एंड बहुत ही हमारा क्वर्की क्रेजी रिलेशन है, रियल रिलेशन है। मेरे भाई मुझे बिगाड़ते भी हैं, फिर मुझे कोई अच्छी सीख भी देते हैं। तो अलग अलग टाइम, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पर हमारी बहुत सारी ट्रायल्स एंड ट्रायल्स से भी हम गुजरते हैं अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में और ग्रो अप होते हैं एज कैरेक्टर्स, बहुत कुछ सीखते हैं ज़िंदगी में। सो आई थिंक इट्स लाइक अ कम्प्लीट फैमिली म्यूजिकल एंड इट्स अ एंटरटेनिंग फिल्म जिसमें कॉमेडी है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, लव है, हार्ट ब्रेक है, सब है। कमिंग टू यू पर्ल, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा वक्त इसलिए है क्योंकि अभी हमारा कल्चर जिस अजीब से ट्रांजिशन से गुजर रहा है उसमें जॉइंट फैमिलीज, बॉन्डिंग रिलेशंस की तो आप भूल जाइए। आई मीन फॉरगेट अबाउट कजन्स, रियल जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके अंदर ही इतना कम्युनिकेशन गैप है, उनके अंदर ही इतना एक किस दुनिया में और एक किस दुनिया में। ऐसे में इतना क्लोज बॉन्ड दिखाना कजन्स को, ये आप खुद को, खुद की जनरेशन से आप कितना रिलेट करते हैं? जी मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। पर्सनली मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी जान है और वो मेरी माँ की तरह भी है, वो मेरे बच्चे की तरह भी है। मेरे से 6 साल बड़ी है लेकिन बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं उसके साथ बचपन से बिताई हुई जो मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं मतलब मैं पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन हुआ करता था आज से कुछ 15 साल पहले, और हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था। ये जनरली उसके हर बर्थडे पे मैं पूछता हूँ बेटा क्या चाहिए बता, उसने एक बार ऐसे कह दिया भाई नॉन वेज छोड़ दे, तो मैंने नॉनवेज छोड़ दिया फॉर लाइफ टाइम। ये ऐसे बर्थडे गिफ्ट्स में उसको देता रहता। तो बेसिकली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि वो लोग हैं जो आपको तब से जानते हैं जब से आप खुद को जानते हैं। वो आपको आपसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं क्योंकि आप खुद को देख नहीं सकते, वो आपको देख रहे होते हैं, आपकी जर्नी देख रहे होते हैं, आपकी ग्रोथ देख रहे होते हैं। जिस तरह अगर हमारे एक हाथ में चोट लग गई तो हम हाथ काट के दूर नहीं फेंक देते, ये नहीं बोलते यार ये हाथ मुझे दर्द दे रहा है, नहीं, वो हमारा हिस्सा है, हमारा परिवार है, क्योंकि हम लोग एक ही जगह से आए हैं, एक ही ब्लड स्ट्रीम को फॉलो करते हैं। अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो जितनी अच्छी यारियां वहाँ बन सकती हैं उतनी अच्छी यारियां कहीं बन नहीं पाएंगी। रीज़न, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमें लगता है कि वो हमारे सीक्रेट बॉक्सेस हैं क्योंकि वो हमारी मोर ओवर सेम जनरेशन के होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार ये बेस्ट गाइड कर सकता है, हमारे सीक्रेट वो सारे रख सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी, आज अगर मैं अपना किसी भी फ्रेंड को सीक्रेट बताता हूँ तो वो डेफिनेटली अपनी वाइफ को ज़रूर बताएगा क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा क्लोज तो अपनी वाइफ से होगा। या मेरी कोई फ्रेंड होती है मैं उसको बताऊँगा, वो अपने हस्बैंड को ज़रूर बताएगी क्योंकि मुझसे ज़्यादा क्लोज वो अपने हस्बैंड के होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं अपने कज़िन को बताता हूँ, मैं अपनी बहन को बताता हूँ, तो मेरी बहन कभी जीजू को नहीं बताएगी। रीज़न, उसकी नाक मेरे साथ लगी हुई है, उसको लगेगा नहीं यार मेरे भाई ने गलती कर दी, उसमें मेरी भी बेइज्जती है। तो सीक्रेट बॉक्सेस की अगर बात करें तो हमारे कज़िन्स या हमारे सिबलिंग्स हमारे बेस्ट सीक्रेट बॉक्सेस हो सकते हैं। गाइडलाइन वो हमें बेस्ट तरीके की दे सकते हैं क्योंकि जितनी अच्छी तरह से वो हमें समझते हैं कोई और समझ नहीं सकता। तो कोशिश कीजिए, मुझे लगता है कोशिश कीजिए, एक बारी
रिफ्रेश करने की अपनी यारियां अपने सिबलिंग्स के साथ और अपने कजिन्स के साथ? दैट्स वेरी रिफ्रेशिंग यू नो फील टू इट एक्चुअली, क्योंकि जब हमने ट्रेलर देखा तो जो समझ में आया, ये तो आया ही कि हाँ फिल्म एंटरटेनिंग होने वाली है, लेकिन ये जो बॉन्ड दिखा वो कमाल का था। मिजान, कमिंग टू यू, आप कैसे कज़न हैं? और दूसरा ये कि क्योंकि फिल्म से पहले कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज आ गई हैं, वैसे उसके पीछे क्या वजह थी? क्या गलत फहमियाँ थी, कोई मिसकम्युनिकेशन थी, यू नो कि आपने, अरे आपने ये क्यों कैरी कर लिया, वो खुखरी है कि कृपाण है? आई मीन एक हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, बिकॉज जब हम फिल्म बनाते हैं हम बनाते हैं ताकि लोग एंटरटेन हो, यू नो दे एंजॉय, सब बैकग्राउंड के लोग, सब धर्म के लोग इस देश में, यू नो वो हम चाहते हैं कि वो आए हमारी फिल्म देखें और एंजॉय करें। बट हमारे बिना बोले, यू नो ऑब्वियसली एक मिसकम्युनिकेशन था, मिस इंटरप्रिटेशन था, लोगों को लगा कि वो एक कृपाण था, बट एक्चुअली इट वाज नॉट। बट एनीवे, यू नो वी आल्सो गॉट अपसेट कि लोग अपसेट हो गए, यू नो बिकॉज हमारा ये इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं था। बट देन वी सॉर्टेड इट आउट, वी क्लियर द मिसकम्युनिकेशन एंड वी आल्सो गॉट इट रिमूव फ्रॉम द फिल्म, बिकॉज चलो हो या ना हो, बट इफ समवेयर अगर लोगों को वो हर्ट कर रही है वो बात, तो ऑफकोर्स यू नो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम वो निकाल दें, हमने वो किया। So we moved past that controversy. It was a big cousin. आप फिल्म में ये बताइए, दिव्या को आप बिगाड़ रहे हैं कि सुधार? सबसे naughty बिगाड़ रहा हूँ, सबसे naughty cousin मैं हूँ। So जो सबसे छोटा हूँ, सबसे naughty हूँ। सब बिगाड़ने का काम दोनों cousins का मेरा ही है। And but at the same time emotionally हमेशा वो रहता है अपने cousins के लिए, शिखर का किरदार जो मैं play कर रहा हूँ। And इनका एक dialogue भी है कि you know, आदत है ना कि कुछ बुरा हो जाए। नहीं, don't say the dialogue, don't reveal the film. मेरा बहुत important dialogue है। अभी हम दिव्या के मुंह से। हाँ। नहीं, मैं reveal नहीं करूँगी, वो फिल्म में देखना आप जो चाहें। Okay, but he is always there for his cousins and जब भी कुछ होता है तो वो हमेशा रहता है उनके support। Great. दिव्या, आपका जो इसमें character है, कभी-कभी बहुत सुलझा हुआ भी लग रहा है और कभी लग रहा है कि बहुत ही spoiled है और कभी-कभी लग रहा है उसको सब लोग मिलकर के pamper कर रहे हैं। What it is exactly? किस किस अलग अलग mental transition से आप गुजरी हैं इस character को play करने के लिए? And how do you relate it to your personal self? Actually, this is very fascinating for me, क्योंकि जो हमारे directors हैं राधिका रा और विनय सप्रू जी, उन्होंने ये character मेरे ऊपर base करके लिखा है, जो मैं real life में दिव्या है। Looks like a bit actually. Yeah, वो उन्होंने दिखाया and I think most of the people wouldn't know, मुझे सोचेंगे कि शायद उनका कोई परसेप्शन होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी होगी, बट इन रियल लाइफ आई एम लाइक अ वेरी गूफी एंड विटी काइंड ऑफ गर्ल, तो वो मुझे काफ़ी सालों से जानते हैं, यू नो, सो दे नो कि मैं रियल में कैसी हूँ, और मुझे ध्यान रखते हुए उन्होंने वो कैरेक्टर डिज़ाइन किया और लिखा, और मेरे बहुत सारे न्यूंसेज जो रियल लाइफ में मैं बातें करती हूँ, बोलती हूँ, जैसे जैसे मेरी हरकतें होती है, वो सब डाली है। तो मैं सेट पर भी जोक करती थी कि आई डोंट हैव टू बिकम द कैरेक्टर, आई एम द कैरेक्टर। तो ऐसा स्क्रीन पर आप लाडली के थ्रू मुझे जानेंगे, सो आई वुड लाइक टू से कि असली में लाडली हैं आप। जी सो इसलिए ये पिक्चर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यू नो मेरा बहुत फ्लैश्ड आउट रोल है और जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में मैं ही हूँ, तो आई होप लोग मेरी रियल पर्सनैलिटी को पसंद करें। और रियल लाइफ में होता भी ऐसे ही है कि कभी कभी आप यू नो वेरियस अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार आपके खुद के विचार होते हैं, तो एक रियल पर्सन ऐसा ही होता है लाइफ का। एग्जैक्ट दिव्या, पहले पार्ट वन में डायरेक्टर और अभी एक्टर, यानी कि पार्ट वन डायरेक्ट करते हुए क्या कहीं कुछ आपने ये सोच लिया था कि अगर पार्ट टू बनता है कि आई विल प्ले दिस रोल? ये जो ट्रांजिशन है कि आप एक फिल्म को आप बतौर डायरेक्टर आप उसके साथ जुड़े हैं, उसको देख रहे हैं, और फिर आप एक्टर हैं उसमें लीड रोल में। जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। जब मैं जो काम कर रही होती हूँ उस टाइम पर मेरा फोकस सिर्फ वो ही होता है, तो जब मैं पार्ट वन डायरेक्ट कर रही थी तब मेरा पूरा मतलब खून पसीना मेहनत हार्ट सोल सब कुछ वो ही पिक्चर थी। सो मैंने ऐसा, और मैं इंडस्ट्री में ऐसा सोच के भी नहीं आई थी कि मुझे एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, इसलिए मैं आई थिंक इतना जुड़ती नहीं हूँ किसी भी चीज़ से, मतलब अगर कल को
सपोजिटली कुछ हो जाए मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँ, सो आई डोंट थिंक इट्स द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर मी कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बस अब तो कुछ है ही बचा ही नहीं। You keep on inventing yourself in other arenas. I think कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सीखती रहूँ, ग्रो करती रहूँ अपनी लाइफ में। जब मैं आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं बहुत छोटी थी, ना मैं डायरेक्शन जानती थी ना एक्टिंग जानती थी। मुझे लगता है मैंने किसी डायरेक्टर को असिस्ट नहीं किया, खुद सीखी, अपने जूते घिस घिस कर सेट पर मेहनत कर करके मैं सीखी। बहुत म्यूजिक वीडियोज़ मैंने डायरेक्ट किए, कई उसमें से बहुत बड़े सुपर हिट्स हुए, फिर पिक्चर डायरेक्ट की। आई एम थैंकफुल कि ऑडियंस जो है वो उनका मेरे साथ एक कनेक्शन बना और वो मुझे इतना प्यार देती है मेरे काम के लिए। एज एन एक्टर ऑल्सो यू नो मैंने ऐसा कोई बहुत मेजर काम किया नहीं है, मतलब कोई ऐसा, मैंने इससे पहले सत्यमेव जयते 2 आई थी, उससे पहले अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों जो बहुत साल पहले की थी। सो दिस इज द फिल्म जिसमें मेरा पहली बार एक ऑडियंस को फ्लैश्ड आउट रोल दिखेगा, प्रॉपर एक रोल दिखेगा। एंड आई थिंक जब ये कहानी डायरेक्टर्स लेकर आए हम मेरे पास एंड दे वॉन्टेड टू कास्ट मी, और उन्होंने नरेशन की और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि 3 कजन्स के ऊपर थी, उनके यारियाँ के ऊपर थी। तब मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप यारियाँ 2 क्यों नहीं टाइटल रखते, बिकॉज इट्स सच अ एप्ट थिंग और आपकी फिल्म पूरी म्यूजिकल है, यू नो। सो दैट्स व्हेन दे सेड या दैट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड दे केप द टाइटल यारियाँ 2। दैट्स हाउ इट बिगैन। और ऐसा मैंने यारिया 1 करते समय बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं यारिया 2 में एक्टिंग करूँगी या कुछ। आई थिंक जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनका मैं मतलब उनके साथ आगे बढ़ती हूँ लाइफ में। मिजान, हमने कज़न की बॉन्डिंग पे बात की थी फर्न से, आपकी लाइफ में ये क्या रही है कज़न्स की बॉन्डिंग? तो मेरे फिल्म टाइम के बाद देख रहे हैं फैमिली बॉन्डिंग दैट टू बिटवीन कज़न्स, वेरी स्पेशल। तो मैं फुली कनेक्ट करता हूँ इस रिलेशनशिप से, बिकॉज मेरे ढेर सारे कज़न हैं और उनमें सबसे छोटा मैं हूँ। तो काफ़ी मस्ती, काफ़ी ट्रिप्स, ऐसी बहुत मेमोरीज हुई हैं कज़न्स के साथ। ऑब्वियसली एक वक्त के बाद तो कज़न्स बड़े हो जाते हैं, सब अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं। बट आई थिंक ये फिल्म वो लेसन देती है कि ऑफकोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त नहीं मिलता, हम अलग अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं, बट जो कज़न्स की अहमियत है हमारी ज़िंदगी में वो हमें रिमाइंड करती है। सो आई थिंक जब लोग ये फिल्म देखने आएंगे वो अपने कज़न्स के साथ जाइए ज़रूर अगर वक्त मिले, अदरवाइज़ आप ये फिल्म देखने के बाद जरूर अपने कजिन्स को फोन तो जरूर करेंगे। बिल्कुल। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम पर्ल, हम पूछेंगे कि क्यों लोग जाएं यारियां 2 देखने के लिए और क्या स्पेशल उनको मिलने वाला है इसमें जो उनको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और एंटरटेन करेगा। पर्ल स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए देखने जाएं क्योंकि वो हम तीनों में खुद को देख पाएंगे। काफी सारे लोग हैं जो शिखर में खुद को देख पाएंगे, काफी सारे लोग हैं जो लाडली में खुद को देख पाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप इतना ही? जी जी, रियल लाइफ में? जी जी, मैं रियल लाइफ में भी काफी स्पिरिचुअल हूँ एंड मेरे कैरेक्टर का नाम भी बजरंगी है, ये लोग प्यार से मुझे बज्जू बुलाते हैं। ये पिक्चर में भी पढ़ रहा है हनुमान चालीसा? फिल्म में भी पढ़ रहा हूँ। फिल्म में भी? एग्जैक्टली, मैंने यही सोचा कि आप वो ट्रेलर में नहीं दिखाया ना? नहीं, आपको कैसे पता? अच्छा, यू गेस्ड। आपने कैसे? नो, वी डिड सम रिसर्च। वाह, आपको बहुत कुछ पता है। बेसिकली ये बहुत एक अनकन्वेंशनल कैरेक्टर है जो मैंने डेब्यू के लिए सोचा, बिकॉज ये मैंने वेट गेन किया, 6-7 किलो वेट गेन किया इस कैरेक्टर के लिए। लोग वेट लूज़ करते हैं कैरेक्टर्स के लिए और फिट दिखने की कोशिश करते हैं, मैं अनफिट दिखने की कोशिश की। ट्रिपल XL शर्ट्स पहनी मैंने पूरी फिल्म में, जिससे कि कहीं से भी मेरी बॉडी दिखाई ना दे, जिससे कि हर आदमी मुझसे खुद को कनेक्ट कर पाए। बेसिकली जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं या कोई भी जॉब कर रहे होते हैं, हमारा फोकस वर्कआउट पर या बाकी सब चीज़ों पर नहीं होता, हम खाते हैं, काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी कनेक्ट कर पाए बज्जू से। Exactly. और उसे उन इमोशन से कनेक्ट कर पाए जो मैं जी रहा हूँ इस फिल्म के अंदर, जो लाडली जी रही है इस फिल्म के अंदर, जो शिखर जी रहा है इस फिल्म के अंदर। तो आप लोग डेफिनेटली इसलिए ये फिल्म को पसंद करेंगे क्योंकि आप वो वैल्यूज़ जो भूल गए हैं वो वैल्यूज़ रिकॉल कर पाएंगे। जैसे कोविड के दौरान मैंने पहले भी कहा, कोई दोस्त नहीं आया था हमसे बात करने या मिलने या हमारा साथ देने, क्योंकि सब दोस्त अपने अपने पेरेंट्स को देख रहे थे और उनको ये डर था यार किसी को कोविड हो गया तो मैं अपने घर पर कोविड ना ले जाऊँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ना दे दूँ। तो हमारी फैमिली तभी भी हमारे साथ थी, तो फैमिली का साथ कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, ये आपको डेफिनेटली इस फिल्म को देखने के बाद रियलाइज होगा। एग्जैक्टली। तो लाडली का क्या मैसेज है? मैं मैसेज की जगह अपना एक डायलॉग बोलना चाहूँगी कि फिल्म में मेरा डायलॉग है जो मैं अपने भाइयों को बोलती हूँ, मेरी जब शादी होने वाली होती है तो मैं बोलती हूँ कि जन्नत जन्म जुपिटर जिधर भी हो निकल के पहुँच जाओ वरना जूते पड़ेंगे। तो मैं ऑडियंस को भी यही बोलने वाली हूँ कि जन्नत जन्म जुपिटर जिधर भी हो निकल के पहुँच जाना। अभी ऑब्वियसली जूतों की बात आपसे नहीं करूंगी, प्लीज आ जाना। डेफिनेटली डेफिनेटली, इतने प्यार से और इतनी प्यारी सी दिव्या, आई ऑलवेज लुक लाइक यू नो प्रिटी डॉल क्वीन। बहुत कम ऐसे चेहरे होते हैं जिनको देखते प्यार उमड़ता है, दिव्या इज ऑलवेज वन ऑफ देम। तो वो डेफिनेटली आएंगे। मिजान, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अलग
देखने जा रहे हैं ऑडियंस। आई थिंक ये जो जिस तरीके से इसका इस फिल्म का ट्रीटमेंट है और जिस तरीके से जो कहानी भी है वो इतनी नई है और फ्रेश है, तो आई थिंक इस वक्त में जिस तरीके की फिल्म आ रही है उसमें से हमारी फिल्म बहुत स्टैंड आउट करती है। एंड एक म्यूजिकल है, तो बहुत वक्त से एक म्यूजिकल फिल्म नहीं आई है जिसमें एक होलसम एल्बम हो, हर किस्म का गाना हो, तो वो फाइनली आ रहा है। एंड आई थिंक ये पैसा वसूल फिल्म है थिएटर में, बिकॉज जो विजुअल्स दिए गए हैं, जिस तरीके से कहानी बढ़ती है, जिस तरीके से म्यूजिक है, तो एक होलसम एंटरटेनिंग बॉलीवुड फिल्म है। एंड आई थिंक लोग निराश नहीं होंगे। एग्जैक्टली, तो क्यों आपने देखनी है ये तो बता दिया इन्होंने, लेकिन इसके साथ हम आपको बता दें कि रिश्तों को जिस तरीके से आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म में, बहुत लंबे टाइम से आपने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा। फिल्म आप देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए प्राइमरली, तो वो तो आपको मिलने ही वाला है, उसके साथ ये रिश्तों की रीडेफिनेशन आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो जाइए, इट्स अ ब्यूटिफुल फैमिली मूवी एंड यू मस्ट गो एंड वॉच इट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तीनों को बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। हम ये चाहते हैं कि ये फिल्म अच्छा करे और लोगों का प्यार मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।